बहुत दिन पहले ये डिमांड आया था आपका कि सर मॉडल ऑक्सिलरी वॉल्व का वीडियो थोड़ा सा ये कर दीजिए, बहुत सारे ऑक्सिलरी वॉल्व जो है ना उसमें दिक्कत हो जाता है, कन्फ्यूजन सा हो जाता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास ये वीडियो आपके पास किया जा रहा है। आइए, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे जो है मॉडल ऑक्सिलरीज दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है मॉडल ऑक्सिलरीज, कुल मिला के कितने होते हैं? 13 होते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है, मॉडल ऑक्सिलरीज कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 13 होते हैं। कौन कौन? कैन हो गए, कुड हो गए, मे, माइट, सैल, बिल, शुड, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, आउट टू, ये कुल मिला के 13 ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। सर ये मॉडल ऑक्सिलरीज 13 हुए तो कुल मिलाकर ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होंगे? तो कुल मिलाकर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं आपके 24 होते हैं। क्या होते हैं? 24 हो जाते हैं आपके। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स 24, नंबर ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज 13। अब देखिए कहता है, अब जब यूज में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा था तो यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले हम लोग शुरू किए कैन। कैन का मतलब होता है अपना सकना, यानी हम उस काम को कर सकते हैं। तो रूल फर्स्ट कहता है कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति, एबिलिटी योग्यता, और कैपेसिटी यानी क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है कि नहीं हम उस काम को कर सकते हैं, मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास पावर है, मेरे पास कैपेसिटी है वैसे काम को करने की। तो ये कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे यहाँ पे, कहता है ही कैन किल अ लायन, यानी एबिलिटी की बात हो रहा है, उसके पास पावर जो है एबिलिटी है कि वह लायन को मार सकता है। फिर है सी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह उस नदी को तैर कर पार कर सकता है। जल्दी नोट कीजिए डियर स्टूडेंट आप। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रोल टू, कहता है कैन का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अनुमति दिया भी जाता है, अनुमति लिया भी जाता है। तो यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। कैन आई गो टू द सिनेमा टू नाइट, क्या मैं आज रात को सिनेमा देखने जा सकता हूँ। कैन आई वॉच योर टीवी, क्या मैं आपका टीवी देख सकता हूँ। इसमें देखिए ऑर्डर दे रहा है, इसमें परमिशन लिया जा रहा है, लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं कि परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे वर्ड बहुत सारे स्कूल्स में देखते होंगे। जब भी आपको कोई परमिशन लेना होता है, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, ऐसा बोलते हैं आप लोग। तो परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे के प्रयोग को ज़्यादा बेहतर और उपयुक्त माना जाता है, अतः हम लोग को परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग ही करना चाहिए, ना कि कैन का। हालांकि मॉडर्न में ऐसा हो रहा है कि मॉडर्न में आप कैन भी करेंगे तो चलेगा, कैन आई कम इन सर भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी भी जो है कि मे का कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर है। तो जब भी परमिशन आपको ग्रांट करना हो तो उसमें आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, है ना, उसमें आप मे करेंगे, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। आई डियर स्टूडेंट नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3 देखते हैं, कहता है कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, यानी स्वभाव देखा जाता है उसमें कि एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, है ना, कि सब कोई गलती कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बेईमान लोग ही गलती करेंगे, कभी कभी जो होता है ईमानदार से इंसान से भी गलतियाँ हो जाती है। तो ये थियोरेटिकल आपका पॉसिबिलिटी है। फिर कहता है इट कांट बी रॉन्ग, यह गलत नहीं हो सकता। हो सकता है बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिलते होंगे कि लग रहा है कि वास्तविक में गलत 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 ही है सबके नज़रिए में, लेकिन डॉट एक बहुत खराब चीज होती है, जब तक क्लियरेंस नहीं हो जाए किसी को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये भी है आपका कि इट कांट बी रॉन्ग। फिर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ये भी पॉसिबिलिटी है आपका कि बिजली जो है आपका वो खतरनाक हो सकता है, हम लोग को बिजली को टच नहीं करना चाहिए, बिजली के वायर को हो, बोर्ड को हो, स्विच को हो, भींगे हाथ तो एकदम नहीं करना चाहिए आपका। नेक्स्ट रूल कहता है आपका कि कैन का प्रयोग हैबिट यानी आदत और नेचर यानी स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब स्वभाव, ए लायर पर्सन कैन डिसीव अस, लायर पर्सन का मतलब झूठा व्यक्ति। अब समझ लीजिए जो झूठा व्यक्ति है वो हम लोग को धोखा दे सकता है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। फिर कहता है दूसरा आदत क्या है आपका, नेचर, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, यानी जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस प्रकार से कैन का रूल समाप्त होता है, अब हम लोग कुड की दुनिया में चलेंगे। आइए जल्दी नोट कीजिए डियर स्टूडेंट।